में रामकथा का आरंभ हुआ, भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। कथावाचक प्रफुल्ल भाई शुक्ल द्वारा उत्तर भारतीय सेवा समिति द्वारा आयोजित 867वीं रामकथा का आज मंगलमय शुभारंभ भाला बापा मंदिर अंतलिया में किया गया। इससे पहले राम भाई शुक्ल गायकवाड़ मिल से कलशधारी बहनों वाजा वाजीतर और समुदाय के नेताओं के साथ एक भव्य पोथी यात्रा शुरू की गई और कुंवारी लड़की के हाथों से दीप जलाया गया। मुख्य यजमान विनोद भाई गुप्ता ने कलश पूजन किया। लक्ष्मीकांत शुक्ल, दीप्ति तिवारी, फूलचंद मिश्रा, सिद्ध सदन तिवारी, अच्छे लाल तिवारी, गणेश दुबे, देवेंद्र दुबे, भोलू पांडे सहित उत्तर भारतीय समाज के कर्मठ लोग कथा को सफल बनाने में जुटे हैं। सफलता प्रफुल्ल भाई शुक्ल ने कहा कि कलयुग में राम कथा आपके लिए समुद्र में जाने के लिए नाव की तरह है। राम कथा में प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक आगामी कार्यक्रमों का उत्सव मनाया जाता था। मंत्रोच्चार के लिए नरेश भाई रामानंदी और आचार्य चिंतन जोशी द्वारा मंत्र जप करने में आए थे।